الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हम सुनते रहते हैं कि फलां का इंतकाल हो गया, फलां बीमार था, फलां का हादसे में एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई। ये खबरें रोज़ाना के बेसिस पर हमें सुनाई जाती है कि फलां का इंतकाल हो गया, वो साहब चल बसे, उनका इंतकाल हो गया। मौत तारीख़े इंसानी की एक ऐसी अटल हकीकत है कि इसे झुठलाना किसी के बस में नहीं। इंसानी तारीख में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसे मौत ना आई हो। अंबिया को जब मौत आ गई तो हमा शुमा की क्या हैसियत, सभी को आनी थी और सभी को आएगी। मौत है क्या? मौत को आप कैसे डिफाइन करें? मौत के बारे में मुल्हिदीन का तो तसव्वुर यही है कि इंसान मर गया तो उसका मैटर क्लोज, अब कुछ नहीं, ये ज़िंदगी का एक ख़ात्मा है। लेकिन इस्लामी इसकी तारीफ़ क्या है? इस्लाम मौत का क्या तसव्वुर पेश करता है? दीन इस्लाम के एतबार से मौत नाम है आपके एक वक्ती घर की शिफ्टिंग का, यानी ये जो दुनिया है, ये दुनिया का जो कारखाना वजूद में आया है, ये सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान गाह है। जो आपका असल घर है, इटर्नल अबॉड, हमेशगी जिसमें आपको ज़िंदगी गुजारनी है, वो है आखिरत। तो मौत क्या है? ट्रांसफ़र है आपका एक टेम्पररी हाउस से एक इटर्नल हाउस की तरफ। यह है मौत की पॉजिटिव तारीफ, पॉजिटिव डेफिनेशन। हमारा अल्लाह एक इटर्नल बीइंग है, एक अबदी ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और ये जो इंसान है, इंसान भी एक अबदी मखलूक है तो मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की, लेकिन ये अबदी मखलूक है। मौत एक बस वक्फा है, या एक तरह से कह लीजिए एक दरवाज़ा है जिसे खोलकर आदमी अपने असली घर की तरफ रवाना हो जाता है, इटर्नल अबॉड की तरफ। मौत का लफ्ज़ कलामे पाक में तकरीबन 87 मरतबा, 87 टाइम आया है मौत का, अपने मुश्तकात के साथ, जो उसके मुश्तकात हैं उनके साथ 87 टाइम पर आया है। लेकिन अगर मफहूम के एतबार से देखा जाए तो कुरान का कोई सफ़ा ऐसा नहीं, बल्कि मैं आगे बढ़कर कहूँगा कि कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें मौत का चर्चा ना हो। क्यों? क्योंकि कुरान तो किताब ही है आखिरत की याद दहानी की। इंसान का जो आजमाइश का, इंसान के लिए जो दुनिया को आजमाइश का बनाया गया, तो उसका इनाम क्या है? इसी की रुदाद है। अंबिया इकराम की पूरी दास्तान आपके सामने मौजूद है, उनके सब्र के किस्से। यानी बिला शुबा कुरान का हर सफ़ा मफहूम के एतबार से मौत का चर्चा है। किसी भी सफ़े को आप खोल लीजिए, लेकिन बावजूद इसके इंसान जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा भुला बैठा है वो है मौत। हम मामूल के एतबार से सुनते हैं कि अभी ऐलान हुआ फलां का इंतकाल हो गया, फलां का इंतकाल हो गया।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भी इंतकाल होने वाला है, मौत को हम भुलाए बैठे हैं। यानी मौत की नफ्सियात ये हमसे दूर हो गई है। एक वाक़या है, मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने अपने रिसाले में नकल किया है, मौलाना ज़कवान साहब का, ज़कवान नदवी साहब का, कि उनका एक जनाजे में शिरकत करने का इत्तेफाक़ हुआ तो एक साथी ने उनसे कहा कि मौलाना ये जनाजे की नियत क्या की जाए। तो मौलाना ने जवाब दिया कि अपने जनाजे की नियत करो, ये नियत करो कि मैं खुद अपना जनाजा पढ़ रहा हूँ। बिला शुबा ये एक बड़ी हकीमाना बात है। इंसान वही इंसान है जो दूसरों की मौत में अपनी मौत को देख ले। दरअसल मोमिन यही है जो अपनी मौत को भुला बैठे, वो फिर सही मानों में मोमिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं अक्सरु ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, कि लज्जतों को ढा देने वाली चीज़ का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो। वो कौन सी चीज़ है? मौत। मौत को याद करना ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है। मौत को याद करने से इंसान के अंदर एक संजीदगी पैदा होती है, इंसान कट टू साइज बनता है, डाउन टू अर्थ बनता है, उसके अंदर से ईगो का खात्मा होता है, उसके अंदर से वो चीज़ें निकल जाती हैं जो दीन इस्लाम में मतलूब नहीं। मौत जो है अपना एक मुस्बत तसव्वुर पेश करती है, इंसान को संजीदा बना देती है, और बिलाशुबा संजीदगी से बढ़कर क्या नेमत होगी। जब इंसान सही माने में संजीदा हो तो वो दुनिया के हकायक को समझने में, हकीकत का इदराक करने में कभी गलती नहीं करेगा। और मौत जो है वो सबसे ज़्यादा मुआविन होती है इस चीज़ में, इस चीज़ को याद, इस चीज़ की याद दहानी करने में। मौलाना की किताब में मौलाना ने एक वाक़या नक़ल किया है मौलाना अशरफ अली थानवी के हवाले से, कि मौलाना अशरफ अली थानवी को, मौलाना अशरफ अली थानवी एक मरतबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे आज़मगढ़ जाने के लिए। तो जो गार्ड था ट्रेन का, वो उनका मौतकिद था, वो भी मिलने आया, और साथ ही साथ एक देहाती भी मौलाना से मुलाकात करने के लिए आया, और साथ में गन्ने का एक गट्टर अपने साथ लेकर आया हदिये के तौर पर। मौलाना अशरफ अली थानवी ने उस गट्टर को कबूल कर लिया, हदिये को कबूल किया, और गार्ड से कहा कि भाई इसे भी लगेज में करा लो, लगेज करा लो, और इसकी जो रसीद होती है, पैसा जो देना होता है वो दे दिया जाए। तो जो गार्ड था उसने कहा मौलाना फिक्र ना कीजिए, आप रख लीजिए, कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात कर लूँगा अंदर गार्ड से, आगे टीटी से या जो भी। तो मौलाना ने कहा कि नहीं, मुझे आगे जाना है। गार्ड ने कहा कि और कोई बात नहीं, और आगे वाले गार्ड से बात कर लेंगे। क्या मौलाना ने कहा कि नहीं, मुझे और भी आगे जाना है। तो वो जो गार्ड था उसने पूछा कि मौलाना आप तो कह रहे थे मुझे आज़मगढ़ जाना है, तो अब इससे आगे आपको कहाँ जाना है? तो मौलाना ने कहा कि मुझे आखिर तक जाना है। ये होती है मोमिन की नफ्सियात। जब इंसान के अंदर ये नफ्सियात पैदा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी का जो अमली नक्शा है वो बिल्कुल बदल जाएगा। हम जुल्म क्यों करते हैं? हम नाप तौल में कमी क्यों करते हैं? हम दूसरों का पैसा खाने में क्यों झिझक महसूस नहीं करते? क्यों? कि हमारे जहन से मौत का तसव्वुर गायब हो चुका है। अगर आप अपने जहन में मौत का तसव्वुर डाल दें तो बिलाशुबा आपके कदम रुक जाएंगे, बिलाशुबा आपके कदम रुक जाएंगे किसी मजलूम पर जुल्म करने से पहले, किसी हराम लुकमा आप हलक में डालने से पहले आपके हाथ कांपेंगे। मौत का तसव्वुर ऐसा तसव्वुर है, और यही नफ्सियात है मोमिन की,
جس نفسیات کی بنا پر اسے ایک ابدی ابدی جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جو اس سے غفلت برتتا ہے اور جو اسے بھلا بیٹھتا ہے اور موت سے بے خبری کی نفسیات میں جیتا ہے، اس کے لیے ابدی ابدی جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے۔ تو موت یہ چیز ہے، موت کی نفسیات میں جینا مومن کی ایک نشانی ہے۔ مومن موت کو بھلا کر نہیں جی سکتا۔ کلام پاک حدیث کے مطابق انسان کے دلوں کا جلا ہے، یعنی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں موت کا ہی پیغام ہے۔ جب انسان کے سامنے موت کا تصور ہوگا تو ساری برائیاں خود سے خود چھٹی چلی جائے گی۔ میں استاذ محترم مولانا وحید الدین صاحب کا رسالہ پڑھ رہا تھا تو مولانا نے موت کی دو قسمیں کی ہیں، ایک متوقع موت یعنی ایکسپیکٹڈ ڈیتھ، اور دوسری ہے غیر متوقع موت یعنی ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ۔ یعنی جب کوئی اگر 70-80 سال کو کوئی مر رہا ہے تو یہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ہونے والا واقعہ تھا اور مر گیا، کوئی انوکھی بات ہمیں نہیں ملتی، جبکہ اس سے بھی ہمیں لیسن لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ بڑھاپے کی موت ایسی موت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ کیا ہم نے تم کو ایک عمر نہیں دی تھی جس عمر میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ یعنی بڑی عمر کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں عذر کو قبول کرنے میں رکاوٹ ثابت ہوگا۔ ایک نوجوان، ایک بچہ تو کہہ سکتا ہے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بس ہدایت کا طلبگار تھا، اگر کوئی ملتا تو میں ہدایت قبول کر لیتا۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سراپا انصاف ہے۔ لیکن ایک بوڑھا آدمی، تو میں بات کر رہا تھا کہ مولانا نے کہا کہ ایک متوقع موت، جیسے ایک بوڑھا 70 سال کی 60 سال کی عمر میں مرتا ہے، اور ایک ہے غیر متوقع موت، یعنی اچانک کل آپ کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا، آج آپ نے سنا کہ یار اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، آپ بالکل چونک جاتے ہیں، اللہ ایسا کیسے ہو گیا۔ کل آپ کے ساتھ اسکول کالج میں تھا، شام میں پتہ چلا کہ نہیں، ایسے کیسز بنتے ہیں۔ ابھی میرے ایک دوست کا واقعہ 6 مہینے پہلے کا، غالباً ممبئی کا ایک میرا ساتھی ہے، تو اس کی بھابھی کا انتقال ہوا۔ وہ بتا رہا تھا کہ بھابھی نے شاپنگ کی، عید کی، سامان لائے سب کچھ، اور عید کے دن ڈیتھ ہو گئی۔ اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو اچانک موت آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹائملی ڈیتھ، جبکہ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ مولانا کے الفاظ میں مولانا اسے کہتے ہیں ریمائنڈر ڈیتھ، کہ جو یہ ان ایکسپیکٹڈ موت ہوتی ہے یہ ریمائنڈر ڈیتھ ہوتی ہے، یہ ہم تمام کو موت کی یاد دہانی کرتی ہے کہ جاگ جاؤ، آج میں گیا ہوں کل تم بھی اسی طرح اچانک چلے جاؤ گے، باز آ جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ۔ اسی وجہ سے ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت الفجاۃ راحت للمؤمن، کہ اچانک موت کا آ جانا یہ مومن کے لیے راحت ہے۔ کیوں راحت ہے؟ کیوں؟ کہ وہ دوسروں کے لیے ریمائنڈر بنتا ہے۔ ایک بیمار آدمی چل رہا تھا اور پھر موت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک معمول کی بات تھی، لیکن اچانک صحت مند اور پھر چلا جاتا ہے تو لوگوں کو جھٹکا فیل ہو، جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ تو موت کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ موت کی نفسیات میں جیتا ہے، اس کے لیے ہر جنازہ گویا کہ اپنا جنازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ جنازے کی نیت کیا کروں، اس کے سامنے یہ اضافی سوالات کبھی نہیں ہوں گے، اس کے سامنے موت کا منظر ہوگا، یا رب کریم آج اس کی باری تھی، کل میری باری۔ میں جتنے بھی جنازے کی نماز میں شرکت میں نے ابھی تک کی ہے یا کرتا ہوں، تو ایک عجیب سا ایک
दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सारे ये जो इमाम हजरत हैं इनकी ट्रेन छूटी जा रही है। एक मिनट लगता है, एक मिनट के अंदर बस जनाजे की नमाज को निपटा देते हैं। अल्लाहु अकबर, अभी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मौत का शोर ही नहीं है भाई, उसे मरना था, हमें थोड़ी मरना है, हम तो अभी जिएंगे, यही करते रह जाते हैं। और अलहाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, बहुतात की हिर्स ने तुमको गफलत में डाल दिया, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। माल और दौलत, माल और औलाद की बस बहुतात में एक रेस में लगे रहते हैं, और बस अल्लाह का फरिश्ता आ जाता है। दोस्तों, मौत, मौत को याद करना ये मोमिन की आलामत है। एक हदीस शरीफ में एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तदफीन के बाद लोग जाने लगते हैं तो एक फरिश्ता कब्र की मिट्टी लेकर लोगों की तरफ फेंकता है, जाने वालों की तरफ, कि जाओ गफलत में पड़ जाओ, जाओ अय्याशी की जिंदगी में मुब्तला हो जाओ। यह हदीस तमसील के रूप में है जो हमें इंसानों की नफ्सियात को बता रही है। तो दोस्तों, जनाजे की नमाज में ये पूछना किसकी नमाज, इससे बेहतर यह है कि अपनी नमाज समझ के जनाजे की नमाज पढ़ो, कि मैं अपना जनाजा पढ़ रहा हूं। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मौलाना ये जनाजे में दुआ कौन सी पढ़ूं, मुझे दुआ याद नहीं है। मैंने कहा कि भाई अल्लाहुम्मा फिरली पढ़ ले, कुछ भी मांग ले। हमारे यहाँ पर एक दुआ मशहूर है, अल्लाहुम्मा फिरली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना, बस यही दुआ। लेकिन जब आप देखेंगे सहाबा का मामूल क्या था, तो सहाबा इस मामले में क्रिएटिव थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके अलावा भी दुआएं साबित हैं, अल्लाहुम्मा फिर लहू वरहमहू वआफिही वआफू अन्हू वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदखलहू, पूरी दुआएं हज़रत अबू बकर से साबित है, अल्लाहुम्मा अब्दक अस्लम अल अहल वल माल वल अशीरा वदंबु अज़ीम अंत गफूरुर रहीम, अल्लाह तेरा बंदा है, माल अहलो आयाल सब छोड़ के चले गए, हम मानते हैं कि बड़ा ही गुनहगार था लेकिन तू गफूरुर रहीम। हज़रत इब्न उमर से कोई और दुआ, क्योंकि वो जिंदा ईमान रखते थे, उनके यहाँ रटा रटाया मामला नहीं था, उनकी अपनी जबान थी, वो जो चाहते मांगते। आपको अगर दुआ याद नहीं है, आप बिल्कुल जनाजे की नमाज में उर्दू में मांगे, किसी तरह कोई हरज नहीं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। हमने क्या किया कि दीन को एक फॉर्म में ले लिया कि नहीं अल्लाहुम्मा फिर ही पढ़ना है, लिहय्यना मय्यतना, वो भाई रसूलुल्लाह से इसके अलावा भी बहुत सी दुआएं साबित हैं। तुझे नहीं आती कोई अपनी जबान में मांग, अल्लाह ताला को सारी जबानें आती हैं। इब्न हज़म जैसा ज़ाहिरी आदमी, वो खुद कहता है कि कहाँ लिखा है कि अरबी में ही आप दुआ करो नमाज में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 मकामात पर दुआ मांगना साबित है। इब्न हज़म जैसा आलिम कह रहा है कि नहीं, आप मांग सकते हैं, अपनी ज़बान में मांगें, इससे आपकी नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी नमाजों में जान आएगी। तो बस अजीज़ों, आज का यही मेरा टॉपिक था, अल्लाह ताला हमें सही मानों में मौत का इस्तेहज़ार नसीब करें, और सही माने में मौत की नफ्सियात लेकर जीने वाला बने, जीने वाला बनाए। बस इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह व आख़िरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।